नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल प्रेडिक्शन बजट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ PSL 2021 के 29वें मैच की प्रेडिक्शन के बारे में, जो भारतीय समय अनुसार शाम को 6:30 बजे से स्टार्ट होगा। दोस्तों यह मैच क्वेटा ग्लेडियर्स और कराची किंग्स के बीच में 19 जून 2021 को दुबई के शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी में खेला जाएगा। इस वीडियो में हम स्टेडियम, पिच रिपोर्ट, वेदर, हेड टू हेड और खिलाड़ियों के प्रदर्शन से इन दोनों टीमों का कंपैरिजन करेंगे। साथ में दोस्तों मैं मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन भी आपको बताऊंगा और एक फैंटेसी टीम भी आपको दूंगा। दोस्तों तो आप इस मैच के एक्यूरेट प्रेडिक्शन लेना चाहते हो तो राजपूत प्रेडिक्शन से कांटेक्ट कर सकते हो, इनका काम काफी बेटर है। इनके व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं इन दोनों टीमों के बारे में। तो दोस्तों पहले बात करते हैं क्वेटा ग्लेडियर्स के बारे में। दोस्तों अपना लास्ट मैच हार करा रहे हैं 110 रन से और इनकी एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 टीम है। जैक मैक्सफील्ड, उस्मान खान, सरफराज खान, कैमरन डॉलपोट, आजम खान इनके बैट्समैन है, मोहम्मद नवाज, हुसैन खान इनके ऑलराउंडर प्लेयर है, जयरी खान, मोहम्मद हुसैन, कुसमिर शहजाद, उस्मान सनवीर इनके बॉलर है, जो दोस्तों काफी मजबूती स्थिति में है। अगर बात करें इनके पिछले मैच की परफॉर्मेंस के बारे में, दोस्तों सरफराज अहमद ने 13 रन की पारी खेली थी और जैक मैक्सफील्ड ने 19 रन बनाए थे। साथ में दोस्तों आसिन खान ने 1 विकेट और जायरी खान ने भी 1 विकेट लिया था और दोस्तों कुरियम शहजाद ने 2 विकेट लिए थे। दोस्तों बात करते हैं इनके अपोनेंट टीम कराची किंग्स के बारे में। दोस्तों अपना लास्ट मैच जीत कर आ रहे हैं और इनकी एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 टीम है। इमाद वसीम, शर्जील खान, बाबर आजम, मार्टिन गुप्टिल, चैडविक बॉल्टन इनके बैट्समैन है, नाजिबुल जॉर्डन, दिनेश आजीज इनके ऑलराउंडर प्लेयर है, मोहम्मद इलियास, अब्बास अफरीदी, नूर अहमद इनके बॉलर है, जो दोस्तों काफी मजबूत स्थिति में है। अगर बात करें इनके पिछले मैच की परफॉर्मेंस के बारे में, दोस्तों इमाद वसीम ने 23 रन की पारी खेली थी, बाबर आजम ने भी 54 रन बनाए थे। साथ में दोस्तों मार्टिन गुप्टिल ने 43 रन की बढ़िया पारी खेली थी और दोस्तों मोहम्मद इलियास ने 2 विकेट लिए थे, अब्बास अफरीदी ने दोस्तों 1 विकेट और नूर अहमद ने भी दोस्तों 2 विकेट लिए थे। दोस्तों इन दोनों टीमों के बीच में अभी तक टोटल ओवरऑल 11 मैच खेले गए, जिनमें से क्वेटा ग्लेडियर्स ने 7 मैचों में जीत दर्ज की और कराची किंग्स ने 4 मैच जीते हैं। दोस्तों क्वेटा ग्लेडियर्स का 189 रन का हाईएस्ट स्कोर है कराची किंग्स के खिलाफ और कराची किंग्स का 190 रन का हाईएस्ट स्कोर है क्वेटा ग्लेडियर्स के खिलाफ। दोस्तों क्वेटा ग्लेडियर्स का 121 रन का लोएस्ट स्कोर है कराची किंग्स के खिलाफ और कराची किंग्स का 113 रन का लोएस्ट स्कोर है क्वेटा ग्लेडियर्स के खिलाफ। दोस्तों क्वेटा ग्लेडियर्स ने 1 मैच पहले बैटिंग करते हुए जीते जबकि 6 मैच बाद में बैटिंग करते हुए जीते हैं और दोस्तों कराची किंग्स ने 2 मैच पहले बैटिंग करते हुए जीते जबकि 2 मैच ही बाद में बैटिंग करते हुए जीते हैं। दोस्तों अगर बात करें इन दोनों टीमों के लास्ट 2 ईयर के स्टेटस के बारे में, दोस्तों क्वेटा ग्लेडियर्स ने लास्ट 2 ईयर में 18 मैच खेले जिनमें से 6 मैचों में जीत दर्ज की है जबकि दोस्तों कराची किंग्स ने 21 मैच खेले जिनमें से 10 मैचों में जीत दर्ज की है। दोस्तों इन दोनों टीमों के बीच में इस सीजन में 1 मैच ऑलरेडी पहले हो चुका है जिसको कराची किंग्स ने जीता था 7 विकेट से और दोस्तों इन दोनों टीमों के बीच में लास्ट 5 मैचों में से 3 को कराची किंग्स ने जीते जबकि 2 मैचों को क्वेटा ग्लेडियर्स ने जीते हैं। दोस्तों क्वेटा ग्लेडियर्स अपने लास्ट 5 मैचों में से 3 में हार करा रहे हैं जबकि 2 में जीत करा रहे हैं और कराची किंग्स अपने लास्ट 5 मैचों में से 2 मैचों में जीत करा रहे हैं जबकि 3 में हार करा रहे हैं। दोस्तों यह मैच दुबई के शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी में होने वाला है, यहाँ पर स्पिनर बॉलरों को ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करेगी क्योंकि यहाँ पर बाद में खेलने वाली टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। हालांकि दोस्तों PSL में पहले बैटिंग करने वाली टीम ने ज्यादा मैच जीते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी तक टोटल ओवरऑल 46 मैच खेले गए जिनमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 22 मैचों में जीत दर्ज की है और बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने 24 मैच जीते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक भी मैच टाई नहीं रहा, यहाँ का एवरेज स्कोर 161 रन है और दोस्तों यहाँ का हाईएस्ट स्कोर 247 रन पर 2 विकेट का है जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का है, यहाँ का लोएस्ट स्कोर 70 रन पर 10 विकेट का है। दोस्तों यहाँ का स्कोर पैटर्न है 150 के नीचे 13 बार, 150 से 169 के बीच में 16 बार, 170 से 189 के बीच में 8 बार और 190+ दोस्तों यहाँ पर 9 बार स्कोर गया है। दोस्तों यहाँ पर क्वेटा ग्लेडियर्स अपना लास्ट मैच हार करा रहे हैं जबकि कराची किंग्स अपना लास्ट मैच यहाँ पर जीत कर आ रही है। दोस्तों आज की ड्रीम 11 टीम हमारी ये होने वाली है, अगर दोस्तों इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा और दोस्तों ठोस होने के बाद में कोई प्लेयर खेल रहा है या नहीं खेल रहा है तो अगर इसमें कुछ अपडेट करना पड़ेगा तो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर बताऊंगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। वैसे भी दोस्तों वहां पर मैं क्रिकेट से रिलेटेड प्रत्येक अपडेट आपको देता रहता हूं तो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लेना और दोस्तों वहां पर मैं प्रत्येक मैच के ठोस होने के बाद में ड्रीम 11 टीम देता हूं तो दोस्तों ज्वाइन जरूर कर लेना। दोस्तों बात करते हैं मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन के बारे में। दोस्तों आपको पता है यार इन दोनों टीमों का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। दोस्तों कराची किंग्स अपना लास्ट मैच जीत कर आ रही है जबकि क्वेटा ग्लेडियर्स अपना लास्ट मैच हार कर आ रही है, लेकिन दोस्तों दोनों ही टीमों का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है क्योंकि क्वेटा ग्लेडियर्स का कराची किंग्स के खिलाफ परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, इसलिए दोस्तों यहां पर दोनों टीमों के जीतने के चांसेस है। अगर दोस्तों बात करें इन दोनों टीमों को इस सीजन के बारे में, दोस्तों क्वेटा ग्लेडियर्स ने इस सीजन में 9 मैच खेले जिनमें से 2 मैचों में जीत दर्ज किया, 7 मैचों में इनको हार झेलनी पड़ी है, पॉइंट टेबल में टॉप 6 पर सबसे लास्ट में इनका स्थान है। दोस्तों बात करें कराची किंग्स के बारे में, दोस्तों इन्होंने अभी तक इस सीजन में 9 मैच खेले हैं जिनमें से 4 मैचों में जीत दर्ज किया, 5 मैचों में इनको हार झेलनी पड़ी है, पॉइंट टेबल में टॉप 5 पर इनका स्थान है। यानी कि दोस्तों टॉप 5 और टॉप 6 के बीच में ये मैच होने वाला है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन के बारे में, दोस्तों मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन के
अनुसार इस मैच को क्वेटा ग्लेडियर्स ही जीत सकती है। दोस्तों आप आपकी पर्सनल प्रेडिक्शन मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और दोस्तों आपको पता है यार, क्रिकेट एक चित्ता का खेल है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। साथ में दोस्तों अभी तक आपने राजपूत प्रेडिक्शन से कॉन्टैक्ट नहीं किया तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उनके नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। और दोस्तों अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर लेना, क्रिकेट से रिलेटेड और IPL PSL से रिलेटेड प्रत्येक अपडेट आपको वहां पर मिलेगी, तो दोस्तों आप ज्वाइन जरूर कर लेना। साथ में दोस्तों वहां पर आपको T20 ब्लास्ट के लिए प्रत्येक मैच की ड्रीम 11 टीम अवेलेबल है। दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। दोस्तों आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।